हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से तुहाडा स्वागत है। 24 सितंबर है तो आप रेडी हाँ अपने करंट अफेयर सैशन के नाल। करंट अफेयर सैशन जो कि इंपोर्टेंट होएगा डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप स्टार्ट करेंगे सैशन। सब तो पहले शेयर करना स्टार्ट कर दो सैशन नू, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन नू शेयर कर दो। मैं देखिया तुसी अजकल सैशन नू शेयर नहीं कर रहे, सैशन के व्यूज़ ने जिहड़े दिन ब दिन रिड्यूस होंदे जा रहे ने। एग्जाम दे विच अगर आप गल करिए, करंट अफेयर सैशन सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे। करंट अफेयर सैक्शन ही ऐसा सैक्शन होंगे जिहड़ा कि डिसाइडिंग सैक्शन होंगे कि तुसी इस एग्जाम नू क्लीयर करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि मैथमैटिक्स, रीजनिंग, ये चीज़ां हर एक स्टूडेंट है जिहड़ा कंफर्टेबली कर लैंदा है। पर जिहड़ा करंट अफेयर सैशन होंगे वही ऐसा सैशन होंगे प्लस स्टैटिक सैशन जिहड़ा कि डिसाइड करता है कि तुसी इस एग्जाम नू क्लीयर कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। इस करके काइंडली इस सैशन नू शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल, वध तो वध शेयर करो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैची शुरू किए जा चुके हैं। चाहो तो इस एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ को अगर तुम बाय करना चाहते हो तो भी तुम वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इस तो इलावा चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करेंगे सैशन। सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं उन्होंने न्यूज़ को, जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया। उस तो बाद आप देखते हैं अज की इंपोर्टेंट न्यूज़ को MCQ फॉर्म के डिस्कस करेंगे। सब तो पहले 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर डे, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर नू ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही लैट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, लैट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द फेड कप एज बिली जीन किंग कप। फेड कप नू बिली जीन किंग कप के नाम नाल जानिया जाएगा, ठीक है। फेड कप का नाम अनाउंस किया गया कि चेंज किया जाएगा बिली जीन किंग कप के नाम। नेक्स्ट है TV सीरीज़ सक्सेशन, सक्सेशन TV सीरीज़ ने 72nd एडिशन ऑफ Emmy अवार्ड जीते है इन ड्रामा सीरीज़ कैटेगरी। डिफरेंट सीरीज़ ने ड्रामा सीरीज़ के विच Emmy अवार्ड सक्सेशन द्वारा जितया गया। सिमिलरली लिमिटेड सीरीज़ कैटेगरी के विच जितया गया वॉचमैन द्वारा, और कॉमेडी कैटेगरी के विच जितया गया स्किच क्रीक द्वारा। 72nd एडिशन ऑफ Emmy अवार्ड। नेक्स्ट है कुमुदनी त्यागी तो रीति सिंह, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह दो ऐसे वूमेन नेवी ऑफिसर्स बने ने जिन्हों पोस्ट किया जाएगा इंडियन वॉरशिप के उत्ते टू फ्लाई हैलीकॉप्टर्स। फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के पहले ऑफिसर्स वूमेन नेवी ऑफिसर्स बने ने जिन्हों इंडियन वॉरशिप के उत्ते हैलीकॉप्टर्स फ्लाई करने के लिए पोस्टेड किया जाएगा, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। नेक्स्ट है SBI हैज़ स्टार्टेड महिला आत्मनिर्भरशील अचानी, महिला आत्मनिर्भरशील अचानी वूमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। SBI द्वारा वूमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया असम दे विच फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपलिफ्टमेंट के लिए महिला आत्मनिर्भरशील अचानी नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया SBI द्वारा, कितने, असम दे विच। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व किया जा रहा है रेलवेज द्वारा, स्वच्छता पखवाड़ा रेलवेज द्वारा टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर कीपिंग द रेलवे प्रेमिसिस क्लीन एंड सेफ इंक्लूडिंग COVID-19 प्रिकॉशंस फ्रॉम 16 सितंबर टू 30 सितंबर। 16 तो लैके 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया जा रहा है इंडियन रेलवेज द्वारा। गिरिजा शंकर मुरगाली इन्हों अपॉइंट किया गया है 7 मैंबर एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की टास्क फोर्स के जिड़ी कि 7 मैंबर है। इस दे विच फुटबॉल क्लब्स नू रेगुलेट करने के लिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया दे मैंबर अपॉइंट किया गया गिरिजा शंकर मुरगाली। किहड़े इंडियन परसन नू मैंबर अपॉइंट किया गया, गिरिजा शंकर मुरगाली। नेक्स्ट है
मुगल म्यूजियम जो कि यूपी के विच है, इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी के नाम के उत्ते रखा जाएगा। मुगल म्यूजियम का नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी के नाम के उत्ते रखा जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स सेकेंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तो बाद दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने ने जिन्होंने आई जी नोबल प्राइज़ दिता गया। आई जी नोबल प्राइज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नू दिता गया। किन्ना द्वारा? इंप्रूवेबल रिसर्च मैगजीन द्वारा एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस 1991 दे विच की किता गया सी, शुरू किता गया सी। इंडिया दे नाल रशिया, यूएसए, यूके, ब्राज़ील, मैक्सीको, बेलारूस, टर्की और तुर्कमेनिस्तान इन्हां दे लीडर्स नू भी अवार्ड दिता गया। ठीक है जी। इस तो अलावा इन्हां कंट्रीज की कैपिटल और करंसी जरूर इंपोर्टेंट बनती है, वो जरूर याद रखनी। नेक्स्ट है कोंकान रेलवे। कोंकान रेलवे डिलीवर्ड टू मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। कोंकान रेलवे ने डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन दो ट्रेना प्रोवाइड कीतिया ने नेपाल नू प्रोवाइड कीतिया ने, क्योंकि नेपाल ने पैसेंजर रेलवे सर्विस नू 7 सालों तो बाद दोबारा शुरू करन दे लई अनाउंस किया है। बेसिकली नेपाल द्वारा जिहड़ी पैसेंजर रेलवे है ये सर्विसेज बंद कर दी गई सी, 7 साल बाद दोबारा इसनों ओपन किया गया और इंडिया ने दो ट्रेन प्रोवाइड कीतिया ने, याद रखना है। नेक्स्ट है अ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस। डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस शुरू की गई है इंडिया और मालदीव्स के विच। फेरी का नाम होएगा एम सी पी लिंज और जिहड़ी कि कनैक्ट करेगी टूटीकोरिन और कोचिन। ये दोनों इंडिया के पोर्ट्स ने, टूटीकोरिन और कोचिन पोर्ट्स नू माले पोर्ट दे नाल, मालदीव्स दी कैपिटल है माले, माले पोर्ट दे नाल कनैक्ट करेगी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू होल्ड ई समिट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका महेंद्र राजपक्षा फॉर इंप्रूविंग ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री। दोनों कंट्रीज़ के विच ट्रेड नू अच्छा करन दे लई इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के नाल समिट होल्ड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही घर तक फाइबर स्कीम ने लॉन्च की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की गई है बिहार के विच, ताकि इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। ए MOU साइन बिटवीन आयुष मिनिस्ट्री एंड WCD मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री श्रीपद यसो नायक, WCD मिनिस्ट्री यानी कि वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी, इन्हों दोनों मिनिस्ट्रीज द्वारा MOU साइन किया गया न्यू दिल्ली दे विच फॉर कंट्रोलिंग मेल न्यूट्रिशन एज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान, मेल न्यूट्रिशन नू रोकन दे लई। ठीक है जी। इस तो इलावा WCD मिनिस्ट्री द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत दे नाल मिलके एक बुक रिलीज़ की गई सी, उस बुक का नाम दस रहे। लोकसभा पास्ट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020। लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 पास किया, ताकि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई जा सके गुजरात के विच। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कित्थे बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी गुजरात के विच। UP CM योगी आदित्यनाथ हैज़ अपॉइंट अनाउंस्ड टू सेटअप कंट्रीज बिगेस्ट फिल्म सिटी एट गौतम बुद्ध नगर नोएडा उत्तर प्रदेश। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा कंट्री दी बिगेस्ट फिल्म सिटी अनाउंस की गई है, कित्थे बनाई जाएगी? गौतम बुद्ध नगर नोएडा उत्तर प्रदेश दे विच। नेक्स्ट है स्टैटिक पोर्शन दे विच आपां डिस्कस कर रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल बेसिकली हैदराबाद है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों हैदराबाद नू एज ए कैपिटल शेयर करते हैं। रीसेंटली आंध्र प्रदेश द्वारा बिल पास किया गया है, जिस नाल आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुण अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम, तीन कैपिटल्स ने आंध्र प्रदेश दी, अमरावती, कुरनूल, विशाखापट्टनम। लार्जेस्ट सिटी विशाखापट्टनम है। चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी ने, गवर्नर की गल करिए बिशप भूषण हरिचंदन। 13 लोकसभा सीट्स, सॉरी 13 डिस्ट्रिक्ट्स ने लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स 11 ने। इस तों अलावा डिस्ट्रिक्ट्स नू भी इन्होंने डबल करन दे लई अनाउंस किया सी, उस दे लई हजे बिल पास होना बाकी।
विधानसभा की गल करिए 175 सीट्स ने और विधान परिषद दिया 58 सीट्स ने। बॉर्डर स्टेट्स की गल करिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटका के नाल बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश डांस कुचीपुड़ी फेमस है, कृष्णा रिवर फ्लो करती है आंध्र प्रदेश तो। स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड रोज रिंग्ड पैराकीट है, स्टेट फ्लावर जैसमिन और स्टेट ट्री नीम है। इस तो इलावा नेशनल पार्क्स इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इतने है आंध्र प्रदेश के। कोदिन्या वाइल्डलाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्डलाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्डलाइफ सेंचुरी कितने है आंध्र प्रदेश के। इस तो इलावा एक काफ़ी इंपोर्टेंट ने कोलेरू और नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। कोलेरू बर्ड सेंचुरी और नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी दोनों काफ़ी इंपोर्टेंट ने, एग्जाम के पूछे जा चुके हैं। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंगुएज किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंगुएज ऑब्जर्व किया गया 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंगुएज ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा बाकी दिनों की गल करिए कुछ इंपोर्टेंट डेज जोड़े कि आप स्किप करते थे उन्होंने डिस्कस करेंगे। सब तो पहले 19 सितंबर को इंटरनेशनल रैड पांडा डे ऑब्जर्व किया गया सी। इंटरनेशनल रैड पांडा डे 3 सैटरडे सितंबर दे ऑब्जर्व किया जाता है। सिमिलरली 3 सैटरडे ऑफ सितंबर आप डिस्कस किया कोस्टल क्लीनअप डे, वह भी याद रखना। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी ऑब्जर्व किया गया सी 19 सितंबर को एज 3 सैटरडे ऑफ सितंबर, जिस दे नाल एक न्यूज़ भी डिस्कस की सी कि इंडिया के 8 बीचिज़ ब्लू बीचिज समथिंग डिकलेयर किया गया सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। याद रखना राइनो, राइनोसोरस की गल करिए एक ऐसी प्रजाति है जी IUCN की लिस्ट के आती है और 22 सितंबर को इस इन्हों बचाने के लिए जो डे ऑब्जर्व किया जाता है वो 22 सितंबर है। इंडिया की गल करिए सब तो ज़्यादा असम के पाए जाते हैं। इस तो अलावा वैसट बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी राइनोसोरस पाए जाते हैं। असम के काजीरंगा नैशनल पार्क काफ़ी इंपोर्टेंट है जिथे राइनोसोरस पाए जाते हैं, वन हॉर्नड राइनोसोरस। नैक्सट है 23 सितंबर की ही गल करिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 आएगा थे 23 सितंबर 2018 एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसनों 2 साल पूरे हुए हैं, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम है जी इस 23 सितंबर 2018 लॉन्च किया गया सी, 2 साल पूरे हुए हैं आयुष्मान भारत स्कीम, याद रखना। कितने लॉन्च की गई सी, रांची दे विच। नेक्स्ट है हू हैज़ वॉन मैन सिंगल टाइटल ऑफ इटेलियन ओपन। बेसिकली ये न्यूज़ आप मैंने स्किप करती सी क्योंकि अगर आप गल करिए टेनिस की, टेनिस दे विच सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट जोड़े ईवेंट्स ने उन्हें ग्रैंड स्लैम्स, ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम्स तो पूछा जाता है या फिर फैड कप वगैरह जोड़े कप्स ने उन्हों तो पूछ लिया जाता है। जोड़े बाकी ओपन ने ये काफ़ी ज़्यादा होंगे ने और इन्हों तो क्वेश्चन पूछे जाने का चांसिस काफ़ी रेयर होंगे। अगर पंजाब के एग्जाम्स की गल करिए तो काफ़ी ज़्यादा ही रेयर होंगे। ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम्स होंगे ने इसी कह सकते लाइन के होंगे ने। सब तो पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर US ओपन। हुण इटालियन ओपन है जिहड़ा इह आपां इस करके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस साल ना तो फ्रेंच होया ना ही विंबलडन होया। ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन दोनों ईवेंट हैल्ड किए गए हैं। इटालियन ओपन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, तो किसने जीते, नोवाक दजोकोविक ने जीते। किसने जीते है, नोवाक दजोकोविक ने। कितों बिलोंग करते हैं, सर्बिया तो बिलोंग करते हैं, यह याद रखना। ठीक है जी। सिमिलर तरीके नाल वूमेन सिंगल टाइटल भी है इटालियन ओपन का। वूमेन सिंगल टाइटल जीते है सिमोना हेल्प ने। वूमेन सिंगल टाइटल किसने जीते है, सिमोना हेल्प ने। ये कितों बिलोंग करते हैं, ये रोमानिया तो बिलोंग करते हैं। कितों बिलोंग करते हैं, रोमानिया तो। हुण मेरा क्वेश्चन है कि सर्बिया कैपिटल और करंसी दसनी है, रोमानिया कैपिटल और करंसी दसनी है कमेंट बॉक्स के।
ठीक है, ये तुम कमेंट बॉक्स में दसनी है। इस तो अलावा आप डिटेल के डिस्कस करते हैं अपना ग्रैंड स्लैम्स। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दो ईवेंट्स इस साल हेल्ड किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का मेन सिंगल टाइटल किसने जीते है? नोवाक जोकोविक ने जितया। कितों बिलोंग करते हैं? सर्बिया तो बिलोंग करते हैं। किसनों हराया सी? डोमिनिक थीम नू हराया सी, जो कि ऑस्ट्रिया तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसेंटली पुड्डा के एग्जाम के पूछा गया सी कि यह ग्रैंड स्लैम किस इस ग्रैंड स्लैम के जो रनरअप सिगे वो किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन सी, ऑस्ट्रिया तो बिलोंग करते हैं, डोमिनिक थीम रनरअप, नोवाक जोकोविक सर्बिया तो। वूमेन सिंगल टाइटल सिमिलरली सोफिया कैनिन द्वारा जीता गया, सोफिया कैनिन द्वारा जीता गया, अमेरिका तो बिलोंग करते हैं, और गैबरीन मुरगुआजा नू हराया सी जो कि स्पेन तो बिलोंग करते हैं। सिमिलर तरीके नाल यूएस ओपन कुछ दिन पहले ही आप डिस्कस किया, मैन सिंगल टाइटल डोमिनिक थीम द्वारा जीता गया, ऑस्ट्रिया तो बिलोंग करते हैं, अलैगजेंडर जवरेव नू हरा के जो कि जर्मनी तो बिलोंग करते हैं, और वूमेन सिंगल नायोमी ओसाका जापान तो बिलोंग करते हैं। इन्हों का तीसरा टाइटल है ये नायोमी ओसाका, लास्ट ईयर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जितया सी, और इस तों अलावा सॉरी 2018 का यूएस ओपन जितया सी, और 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जितया सी शायद इन्होंने। रनरअप की गल करिए, विक्टोरिया एजरेंका रहे सी, और बेलारूस तो बिलोंग करते हैं विक्टोरिया एजरेंका। नेक्स्ट है, विच एविएशन कंपनी विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट बाय 2035। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप गल करिए जो एयरक्राफ्ट होंगे ने उन्हां वास्ते जो फ्यूल होंगे और डिफरेंट तरीके का फ्यूल होंगे, हुण पोल्यूशन फ्री करन दे लई अनाउंस किया गया कि कंपनी द्वारा कि वह हाइड्रोजन का यूज़ करेगी, हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके जो इंजन ने उस तरीके डेवलप किए जाएंगे, जिसका मॉडल रेडी कर लिया गया और 2035 तक उसनू लॉन्च कर दिया जाएगा। वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट कदों तक बना लिया जाएगा? 2035 तक बना लिया जाएगा, और केड़ी कंपनी द्वारा इसनू अनाउंस किया गया? इसनू अनाउंस किया गया एयरबस कंपनी द्वारा, सेकंड ऑप्शन एयरबस। एयरबस की गल करिए कि यूरोपियन कंपनी है जिसका हैडक्वाटर नीदरलैंड दे विच है, हैडक्वाटर इंपोर्टेंट बनेगा कित्थे है? नीदरलैंड दे विच है। नेक्स्ट है, हु हैज़ एड्रेस्ड फ्रॉम इंडिया इन द इंटरनेशनल वेबिनार ऑन इशूज चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग COVID-19 शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंसिस। बेसिकली COVID-19 के दौरान अगर इलेक्शंस करवाने ने उस दे विच की इशूज आने की चैलेंज होंगे और किन्ना प्रोटोकॉल के नाल आपां ओह इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं, इस करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ दे मिला के एक इंटरनेशनल वेबिनार हेल्ड किया गया। इंडिया वालों किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इंडिया दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी, सुनील अरोड़ा की ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इन्हां दे अंडर दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे ने, दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे ने, एक ने अपने सुशील चंद्र, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होंदे सी अशोक लवासा। अशोक लवासा ने इत्थों रिजाइन दिता और कित्थे चले गए? ADB दे विच चले गए। ADB की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यह बन गए इसके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हुण यह सीट खाली हुई, तो इस सीट के खाली होने नाल इत्थे नवे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए राजीव कुमार। नवे इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए? राजीव कुमार। ठीक है जी, अशोक लवासा, राजीव कुमार, सुशील चंद्र। GC मुर्मू की गल करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर दे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंदे सी GC मुर्मू, इन्होंने इस पोस्ट तो रिजाइन दिता और इस पोस्ट ते आ गए ने सिन्हा, मनोज सिन्हा। ठीक है, और GC मुर्मू चले गए कैग। GC मुर्मू की बन गए? कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन ने? GC मुर्मू। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन अ बुक Voices of Dissent? Voices of Dissent नाम की एक बुक है अनाउंस की गई है, इस बुक नू किन्ना द्वारा लिखा गया? Voices of Dissent बुक नू किन्ना द्वारा लिखा गया? इस बुक नू लिखा गया रोमिला थापर द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन रोमिला थापर, रोमिला थापर द्वारा एक बुक लिखी गई है Voices of Dissent। इस तो अलावा बाकी नाम अगर आप डिस्कस करते हैं तो एस हुसैन जायदी, एस हुसैन जायदी,
ये कौन ने? एस हुसैन जायदी ने, जिन्हों द्वारा बुक लिखी गई सी एंड गेम। पॉलिटिक्स के उत्ते बेसिकली एक बुक सी द एंड गेम, इस बुक नू लिखा गया सी एस हुसैन जायदी द्वारा। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह द्वारा बुक लिखी गई सी सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कदे मरदा नहीं, इस बुक नू किन्ना द्वारा लिखा गया सी? बलदेव सिंह द्वारा। मोहम्मद अब्दुल मेनन, इन्हों द्वारा बुक लिखी गई सी बिहाइंड द मास्क। कोविड 19 के दौरान इस बुक नू रिलीज़ किया गया सी बिहाइंड द मास्क। और अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार द्वारा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, इस बुक नू लिखा गया सी अश्वनी कुमार द्वारा। नेक्स्ट अंगरीता शेरपा, अंगरीता शेरपा, हु हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट 10 times, पास जवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। बेसिकली माउंट एवरेस्ट की गल करिए, इंडिया की सॉरी वर्ल्ड की सब तो बड़ी हाईएस्ट पीक है। अगर हाइट की गल करते हैं 8848, आप जो आप छोटी क्लासा होंगे सी रिमाइंड करवाया जाता सी कि किन्ने मीटर की हाइट है, 8848 मीटर है शायद, 8848। तो माउंट एवरेस्ट जी उसनू 10 times इन्होंने क्लाइम किया है। अंगरीता शेरपा, अंगरीता शेरपा केड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? ये नेपाल तो। और इन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई। इन्हों का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि जो जो इन्होंने क्लाइम किया, इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन टैंक किया। तो देखा होगा अगर क्लाइंबर काफ़ी ज़्यादा हाइट के उत्ते जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो ऑक्सीजन बॉटल्स वगैरह कैरी करते हैं। तो इन्होंने बिना ऑक्सीजन बॉटल्स तो क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट नू 10 times। इस तो अलावा इस करके इन्हों स्नो लियोपार्ड का नाम नाल भी जाना जाता है। इन्होंने स्नो लियोपार्ड टाइटल दिता गया सी, ठीक है। इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनता है अंगरीता शेरपा। और शेरपा का मतलब, शेरपा कोई नाम नहीं है, ये भी बेसिकली एक पोस्ट होंदी है। शेरपा का मतलब होंदा कि जिहड़े गाइड होंदे ने, जिहड़े लोकां नू हैल्प करदे ने लेके जाण दे विच, क्लाइम करन दे विच, माउंट एवरेस्ट नू क्लाइम करन दे विच। जिन्हें भी परसनस अगर क्लाइम करते हैं तो वह किसी ना किसी शेरपा नू लेके जाते हैं। शेरपा बेसिकली एक टीचर की तरह होंदा जो गाइड करता होंदा, ठीक है। अंगरीता शेरपा 10 times माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके ने। स्नो लियोपार्ड के नाम नाल जाने जाते सी, नेपाल तो बिलोंग करते सी, और विदाउट ऑक्सीजन टैंक इन्होंने क्लाइम की थी। ये सारे फैक्ट्स याद रख। इस तो इलावा अगर आप गल करिए विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन ऑब्जर्व किया गया सी नेपाल द्वारा, के पी शर्मा ओली इतने के प्राइम मिनिस्टर ने। इस तो इलावा विद्या देवी भंडारी इतने के प्रेजिडेंट ने। इस तो इलावा रीसेंटली नेपाल के 5 districts के फ्लड आया हुआ सी, जिस करके डिजास्टर रिलीफ मटीरियल भी प्रोवाइड किया सी इंडिया ने। नेपाल के पशुपतिनाथ टैंपल दे विच रेनोवेशन दे लई इंडिया ने फंड प्रोवाइड किया सी। ये सारे फैक्ट्स याद रखने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेड वर्ल्ड फर्स्ट बायोनिक आई, वर्ल्ड की पहली बायोनिक आई। बेसिकली एस अगर जेडे ब्लाइंड पीपल ने उन्होंने भी देखने दे विच हेल्प करेगी बायोनिक आई, डेवलप की गई है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। केड़ी कंट्री द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया दे विच एक यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी द्वारा इसनों डेवलप किया गया। मोनाश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा वर्ल्ड की पहली बायोनिक आई क्लेम की गई कि असी डेवलप की है, जिस दे नाल जिहड़े ब्लाइंड लोग ने ओह भी दोबारा देख सकेंगे, ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ऑस्ट्रेलिया दे नाल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया सी। सिमिलर तरीके का एग्रीमेंट रिसेंटली इंडिया ने जापान दे नाल भी साइन किया, ये याद रखना। चाइना दे बारे चलो रहने दिने, की गल करनी है रशिया की गल करते हैं। व्लादिमीर पुतीन इत्थे दे प्रेजिडेंट ने, 2036 तक रशिया के प्रेजिडेंट रहेंगे। रशिया के नाल रिसेंटली इंदिरा एक्सरसाइज हैल्ड की गई है। रशिया के नाल कावकाज एक्सरसाइज के विच इंडिया ने पार्टीसीपेट करना सी, ते बाद दे विच कोविड-19 के कारण पार्टीसीपेट करन तो मना कर दिता सी। इंदिरा जो कि एक नेवी एक्सरसाइज सी, ये भी याद रखनी है। रशिया के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतीन ने किम जोंग हुन, जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਮੈਡਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲੈਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਪੂਤਨਿਕ ਫਾਈਵ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ COVID-19 ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਾਸਗਲੋ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ COP26 ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਕੋਇਨ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ 2021 ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓ ਸਮਾਰਟ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਓ ਸਮਾਰਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਓ ਸਮਾਰਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੇ ਰਵੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸੁਨਾਮੀ ਅਰਥ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਮੀ, ਅਗਰ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ 25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ? ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਲਵੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ IT ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IT ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ IT ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਰੋਦ ਪੋਰਟਸ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰੋਦ ਪੋਰਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਟਾਈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਟ ਤੇਹਰੀ ਲੇਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਹਰੀ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਹਰੀ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ITBP ਇੰਡੋ ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ। ਇੰਡੋ ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। BSF ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ। ITBP ਦੇ ਹੈੱਡ, CRPF ਦੇ ਹੈੱਡ, CISF ਦੇ ਹੈੱਡ ਔਰ NSG ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ITBP ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਨੋ ਲਿਓਪਾਰਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
उत्तराखंड की कैपिटल गारसेन रिसेंटली अनाउंस की गई है समर कैपिटल। उत्तराखंड की ही उत्तराखंड के ही अगर आप गल करिए ऋषिकेश ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए उत्तराखंड के होर की इंपोर्टेंट है, त्रिवेंद्र सिंह रावत इतने के चीफ मिनिस्टर ने, बेबी रानी मौर्या इतने के गवर्नर। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप न्यूट्रीनो ऑब्जरवेटरी इन विच स्टेट। न्यूट्रीनो की है, न्यूट्रीनो बेसिकली सन दे पार्टिकल्स नू कहा जाता है, तो न्यूट्रीनो ऑब्जरवेटरी बनाई जाएगी जिस दे नाल डिफरेंट थोड़ी रिसर्च करके एक अचीवमेंट हासिल की जा सके सन एनर्जी दे नाल। न्यूट्रीनो ऑब्जरवेटरी अनाउंस की गई है, कित्थे बनाई जाएगी, तमिलनाडु दे विच। न्यूट्रीनो ऑब्जरवेटरी कित्थे अनाउंस की गई है, तमिलनाडु दे विच अनाउंस की गई है। बेसिकली तमिलनाडु दे विच भी इंपोर्टेंट प्लेस बनती है बोधी वेस्ट हिल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक क्वेश्चन दे विच कि बोधी हिल्स कित्थे ने तमिलनाडु दे विच ने। बोधी वेस्ट हिल्स जो कि तमिलनाडु दे थेनी डिस्ट्रिक्ट दे विच है, ये याद रखना है। तमिलनाडु दे विच डिस्ट्रिक्स किन्ने ने, 38। रिसेंटली इत्थे डिस्ट्रिक्स इंक्रीज किए गए सी, तमिलनाडु दे विच टोटल डिस्ट्रिक्ट किन्ने ने, 38 ने। तमिलनाडु दे बारे आप काफ़ी न्यूज़ भी डिस्कस कीतियां ने, फॉर एग्जाम्पल एन आई टी त्रिची तमिलनाडु दे विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सैल लगाया जा रहा है। तमिलनाडु दे विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट नू फुली डेवलप्ड इकनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्व बनाया गया। तमिलनाडु दे ही एम वीरा लक्ष्मी नू फर्स्ट वूमेन एम्बूलेंस ड्राइवर बनाया गया सी, ये याद रखने। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स दे रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस्ड टू सेटअप टेक्सटाइल पार्क एट बरेली उत्तर प्रदेश अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इस दे बारे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस स्कीम के अंडर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है उस दे विच अगर कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो उसनू इस तरीके ने डेवलप किया जा सके उस डिस्ट्रिक्ट नू कि उस पर्टिकुलर चीज़ दे लई नू एक्सपोर्ट कर सके पूरी कंट्री दे विच, जिस दे नाल इकनोमी इंक्रीज होवे, GDP इंक्रीज होवे, ठीक है। तो इसे दे लई बरेली उत्तर प्रदेश जो कि टैक्सटाइल दे लई काफ़ी फेमस है, तो इत्थे एक टैक्सटाइल पार्क अनाउंस किया गया, बनाया जाएगा। यूपी द्वारा एक होर यूनीक स्कीम भी अनाउंस की गई है कि उन्हां फैमिलीज़ दे विच जिन्हां दे विच मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन ने, जिन्हां दे विच मेल न्यूट्रिश चिल्ड्रन ने, उन्होंने काउज दित्ती जाएंगी, काउज प्रोवाइड की जाएंगी फैमिलीज़ नूं, ताकि जिहड़े बच्चे ने उन्होंने मिल्क वगैरह एक्सेट्रा प्रोवाइड करवाया जा सके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई पीक पहानी एप्लीकेशन टू बेनिफिट फार्मर्स विद राइट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स। बेसिकली ई पीक पहानी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, केड़ी स्टेट द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने एप्लीकेशन लॉन्च की गई ई पीक पहानी किस दे लई, ताकि जिहड़े फार्मर्स ने उन्होंने गाइडेंस दी जा सके कि केड़ी क्रॉप उन्होंने ग्रो करनी है, प्लस उन्हां दी क्रॉप दा रियल प्राइस की है, ते ओह किस तरीके नाल बेनिफिट लै सकदे ने उस क्रॉप तों। महाराष्ट्र दे विच लॉन्च कीती गई। एमपी दी गल करिए, एमपी दे चीफ मिनिस्टर द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, एमपी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना नू लॉन्च कीता है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एमपी। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3401 मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, मतलब कि है अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स। बेसिकली राशन शॉप्स लॉन्च कीतियां गई ने, अम्मा राशन शॉप्स। मोबाइल का मतलब है कि वह एक जगह तो दूजी जगह ट्रैवल कर सकदियां ने, ठीक है। ऐसी शॉप्स डेवलप कीतियां गई ने ताकि लोगों नू राशन प्रोवाइड किया जा सके घट अमाउंट ते पूरी स्टेट दे विच। तो इस करके 3401 मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स जिन्हां दे नाम रखा गया अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च कीते गए ने तमिलनाडु दे विच। नेक्स्ट है, हु हैज़ कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम इंटेरिम टेस्ट रेंज ओडिशा तो टेस्ट की गई अभ्यास।
अभ्यास की है, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि किसी भी टारगेट नू ईजली एयर दे विच ही खत्म करन दे लई अभ्यास अभ्यास नाम की चीज़ बनाई गई है। इसनू टेस्ट किया गया, इसनू टेस्ट किया गया, किसने टेस्ट किया, इसनू DRDO ने, किसने बनाया, DRDO द्वारा ही डेवलप किया गया। और DRDO ने कितने टेस्ट किया, उड़ीसा दे विच इसनू टेस्ट किया, ये याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करिए DRDO की, 1958 दे विच बनाई गई सी, न्यू दिल्ली दे विच हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी इस दे चेयरमैन ने। डाइट की गल करिए, इसका हेडक्वार्टर पुणे दे विच है, NSG नैशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नैशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हेडक्वार्टर दिल्ली दे विच है, और अनूप कुमार सिंह इस दे हैड ने। इसरो दे हैड के सिवान ने, यह याद रखना है। प्लस इन्हों का नाम याद दे नाल वॉन करमन अवार्ड इन्हों रीसेंटली दिता गया सी, ये याद रखना है, वॉन करमन अवार्ड। इस तो अलावा इंडियन आर्मी के रिलेटेड एक न्यूज़ थी और डिस्कस करते हैं। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है शिकारा रेस, काफ़ी फेमस रेस है, एक शिकारा रेस जो कि श्रीनगर के बेसिकली श्रीनगर के दल लेक, श्रीनगर केड़ी लेक है, दल लेक है प्लस वूलर लेक है, दल लेक और वूलर लेक इन्हां दे विच इसनू ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी ने। शिकारा रेस टूरिज्म नू प्रमोट करन दे लई, टूरिज्म नू प्रमोट करन दे लई श्रीनगर दे विच इंडियन आर्मी द्वारा शिकारा रेस नू कंडक्ट किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होएगा, सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।